नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं और उस विषय का नाम है कि मसीह लोग अगर प्रभु भोज ना ले तो क्या होता है। मसीह लोगों के लिए प्रभु भोज इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और प्रभु भोज जो है मसीह लोग ही क्यों ले सकते हैं और अदर लोग क्यों नहीं ले सकते। इस सारे बातों को आज हम सीखने वाले हैं और चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु भोज होता क्या चीज़ है और ये मतलब प्रभु भोज ले कौन सकता है, कौन ले सकता है और प्रभु भोज लेने से क्या फ़ायदे होते हैं और प्रभु भोज नहीं लेने से क्या नुकसान होते हैं। ये सारे चीज़ हमें समझना बहुत आवश्यक है और इसीलिए ही हमें परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा लॉर्ड सफर दिया है। लेकिन क्यों दिया है लोगों को मालूम नहीं है, लॉर्ड सफर यानी कि प्रभु भोज। तो दोस्तों आइए हम बाइबल से देखेंगे मत्ती 26 उसका 26 से 29 में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये लॉर्ड सफर यानी कि प्रभु भोज को दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है, रोटी को। और फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। और लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। इसका मतलब ये बोला गया था, प्रभु यीशु मसीह तो मर जाएंगे, फिर जी उठेंगे, फिर वो स्वर्गरोहण हो जाएंगे और वो चले जाएंगे एटर्नल लाइफ हमको देने के लिए, हमको वहाँ पे जगह बनाने के लिए हमारे लिए। तो वो बोल रहे हैं कि उसके बाद पीऊँगा, यानी कि आज कलीसिया क्या है, परमेश्वर का शरीर है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। हेड कौन है, इफिसियो में लिखा है कि यीशु मसीह शरीर मतलब सिर है उसका। तो आज जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वो दाखरस पीते हैं, वो रोटी खाते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। लेकिन यहाँ पर और एक बार हम देखेंगे, प्रेरित पौलुस कहता है 11 का 23 से 26 में, पहला कुरिन्थी 11 का 23 से 26 में, वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि किस प्रकार से पौलुस वहाँ पे इस बात को बता रहा है कि प्रभु से उसको क्या पहुँची, ये बात कैसे पहुँची प्रभु से। तो आइए हम देखते हैं, पहला कुरिन्थी 11 है ना, पहला कुरिन्थी 11 उसका 23 से 26 तक पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची। पौलुस कहता है यहाँ पे कि कैसे वो बात यहाँ पे पहुँचा है पौलुस तक, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो, उसकी यादगारी के लिए, उसके स्मरण के लिए, और रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरा लहू में नई वाचा है, जब कभी भी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। और हमें ये लेना चाहिए, हम प्रचार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का और ये बात हमें पता रहना चाहिए। अगर हमें ये बात पता नहीं है और हम नहीं ले रहे हैं प्रभु भोज को, लॉर्ड सफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लेना तो आवश्यक है, बट कब लेना है, आज लोगों को मालूम ही नहीं है कि कब लेना है इसे। तो यहाँ पर हम बाइबल के अनुसार यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं तो फर्स्ट टाइम में रोज रोटी तोड़ा करते थे, डेली रोटी तोड़ा करते थे, घर घर जा करके रोटी तोड़ा करते थे। बट यहाँ पर जो है पौलुस ने फिर ब्रेक किया, पौलुस ने बताया कि प्रभु भोज कोई खाने की वस्तु नहीं है, पेट भर रहे हो, खा रहे हो। आप पहले कुरिन्थी 11 जो पढ़ सकते हैं उसमें पता चल जाएगा आपको कि किस प्रकार से पौलुस ने उनको डांटा। वो मन भर के दाखरस पीते थे और पेट भर के रोटी खाया करते थे और इस प्रकार से लोगों को नहीं मिला करता था।
तो ये जो है इसे खाने का त्यौहार मानते थे और ऐसी बहुत खाते थे उल्टे सीधे हरकतों से और दाखरस पी करके मग जाया करते थे। तो यहाँ पर पौलुस ने उन्हें डांटा, जब तुम इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पे जब साप्ताहिक इकट्ठा होने लग गया, डेली तो छोड़ो, डेली होना बंद हो गया पहले, फिर उसके बाद साप्ताहिक, क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जीवित होने का दिन था, विजय दिवस था, तो उस दिन इकट्ठा होकर के रोटी तोड़ा करते थे, जो कि सप्ताह का पहला दिन था। जब आप प्रेरितों काम 7 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया गया है प्रेरितों काम 20 का 7 अध्याय 7 पद, 20 अध्याय का 7 पद में लिखा हुआ है प्रेरितों काम में, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए। तो इस प्रकार से यहाँ पे पता चलता है कि सप्ताह में एक बार, यानी कि प्रति सप्ताह, यानी कि रविवार को वहाँ पे इकट्ठा हुआ करते थे यूनानी कैलेंडर के हिसाब से। और फिर उसके बाद हम पहला कुरिन्थियों 16 का 2 में भी यहाँ देखेंगे, तो यहाँ भी लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी अपनी आमदनी के अनुसार कुछ रख छोड़ा करे। और यहाँ पे वो इकट्ठा हुआ करते थे, क्योंकि सप्ताह के पहले दिन वो इकट्ठा होते थे, दान देते थे, प्रभु भोज लेते थे, प्रार्थना करते थे, वचन का प्रचार करते थे, गीत गाया करते थे, ये पाँचों चीज़ वहाँ हुआ करती थी। प्रभु हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और वो हमें लॉर्ड सफर यानी कि प्रभु भोज क्यों दिया? इसलिए दिया कि हमें वो याद रहे कि उसी के बेटे के खून से हमारे पाप क्षमा हुए और उसी के देह में कोड़े पड़ने से हम चंगा हुए। इस बात को याद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। और एक यूनिटी सैम्बल है ये हमारा, यूनिटी, यूनिटी में हम बंधे रहें, हम इकट्ठा होते रहें, उस बात की चर्चा करते रहें, प्रभु यीशु मसीह की चर्चा करते रहें। और ये भूले नहीं कि आज भी हम पापमय जीवन में घुस सकते हैं अगर प्रभु की राह पर ना चले तो इसे लेने के क्या क्या फायदे हैं और इसे नहीं लेने के क्या क्या नुकसान हैं। तो पहला जो फायदे हैं कि आपकी पापों की क्षमाई होती है। आप हफ्ते भर में जो पाप किए रहते हैं, प्रभु से पश्चाताप करते हैं, प्रभु मुझे माफ़ कर, क्षमा कर, तेरे उस मृत्यु के उस लहू और उसके देह में मैं शामिल होना चाहता हूँ, ऐसा बोल करके आप प्रार्थना करके अपने जीवन को निष्कलंक और पवित्र करके फिर से आप नई ज़िंदगी बिता सकते हैं। और नुकसान ये है कि आपका पाप दिन ब दिन बढ़ते जाएगा, आप प्रभु को स्मरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप स्मरण कैसे करते हैं? बाइबल में तो लिखा है कि रोटी तोड़ने से प्रभु की स्मरण होती है, उसके दाखरस को पीने से प्रभु की स्मरण होती है। तो आप रोटी कब तोड़ते हैं और दाखरस कब पीते हैं, इस बात को आप गौर करें। बुद्धि का विकास होता है। दूसरा जो है, बुद्धि का विकास होता है जब आप आत्मिक जीवन बिताने का कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर आता है। और अगर आप प्रभु भोज नहीं ले रहे हैं, इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, तो आत्मिक बुद्धि जो है नष्ट हो जाती है और सांसारिक बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। तीसरा है, जीवन मिलता है। तीसरा क्या है? जीवन मिलता है। और यही जीवन जो है आपको आने वाले समय में आत्मा और शरीर से लड़ने की शक्ति देता है ना? और अगर आप नहीं जा रहे हैं तो नुकसान हो जाएगा कि आपका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। चौथा, आज्ञा का पालन करना आप सीखते हैं। एक क्या बोलते हैं उसको, आप आज्ञाकारी बालक बन सकते हैं, है ना? और उसके बाद अगर आप नहीं जा रहे हैं, सप्ताह में पहले दिन इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, लॉर्ड सफर नहीं ले रहे हैं, प्रभु भोज नहीं ले रहे हैं, तो आप आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। और उसके बाद सभी कार्यों में सफलता प्रदान होता है आपको। सभी कार्यों में सफलता आप प्रदान कर सकते हैं अगर आप साप्ताहिक आ रहे हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं। और अगर आप नहीं जाते तो जीवन में असफलता आपके जीवन के पीछे पड़ जाएगा और आप अंधकार में जीवन जीते जीते नष्ट हो जाएंगे। तो आज हमें ये पता चला कि प्रभु भोज लेना कितना महत्वपूर्ण है। आप प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हैं, उसके मृत्यु का प्रचार करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमने इस बात को सीखा कि मसीह लोग प्रभु भोज नहीं लेने से क्या क्या होता है। आगे भी मैं प्रभु भोज के बारे में और नए नए बातें बताते जाऊंगा, क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, हमारे साथ जुड़ करके आप परमेश्वर की सेवा भी कर सकते हैं और परमेश्वर के ज्ञान अर्जित भी कर सकते हैं। हमारे बाइबल क्लास में आप ऑनलाइन बाइबल क्लास कर सकते हैं, और हमारा बाइबल कॉलेज 3 साल का डिग्री, खाना पीना फ्री है, सब है, आप आ सकते हैं। और हमारा अनाथ आश्रम है, हमारे अनाथ आश्रम में आप डोनेट कर सकते हैं स्वेच्छानुसार। और हम वृद्धाश्रम बना रहे हैं, उसके लिए भी हमें दान दक्षिणा की आवश्यकता है।
और इस प्रकार से हम परमेश्वर की सेवा करते रहें। हमारा अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और इस प्रकार से उसमें आप डोनेशन कर सकते हैं प्रति माह जो भी आपसे बन पड़ता है, और आप हमारा साथ दे सकते हैं और परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए आप बाइबल क्लास भी आप हमारे पास कर सकते हैं। हमारा प्रेयर टावर का नंबर है, आपको जो भी परेशानी होती है आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। और इसी प्रकार से हम नए वीडियो के साथ फिर से एक बार आएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।